हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सम एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बीकॉम सेम 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, तो उसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से आएगा और चांसेस पूरा है 14 मार्क का एक सम आएगा और में 7-7 मार्क के दो सम आ सकते हैं या हो सकता है और में भी 14 मार्क का एक ही सम आए। और कभी कभी ऐसा होता है 7-7 मार्क की थ्योरी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, पर थ्योरी बहुत कम आती है। थ्योरी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको सम ही करने चाहिए। ठीक है, थ्योरी बहुत कभी कभी आ जाती है पर बहुत कम आती है। तो ये क्वेश्चन 1 जो है यूनिट 1 में से आएगा, सेम प्रोसीजर क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा और सेम जैसे बताया 14 मार्क और में 7-7 मार्क, सेम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा और क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा एंड क्वेश्चन 5 में MCQs आने के पूरे चांसेस हैं, 14 मार्क के MCQs आएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे, इंपॉर्टेंट सम्स समझे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास बुक है ना उसका एडिशन 2022-23 है, ये एडिशन है, उसमें से मैं आपको सम्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट वन में एक ही चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और पूरा चैप्टर फार्मूला से रिलेटेड है और बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूलास आपको ध्यान होनी चाहिए। तो उसमें आपको ये सम्स मैंने दिए हैं, लिमिटेड दिए हैं, इतने करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक्सरसाइज में से 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 34, 35, 39, 42, 50, 52 ये आपको सम्स करने चाहिए। कभी कभी थ्योरी आती है, मैं थ्योरी के लिए पर सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी कभी आ जाती है, पढ़ के जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन बताएं। ठीक है, ये कभी कभी आती है पर मैं सम्स ही बोलूँगा आपको, मोस्ट ऑफ 14 मार्क के सम्स ही आएंगे। ठीक है, यूनिट टू में से मीन्स एक ही चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, इसमें भी सम है, फार्मूला से रिलेटेड ही है और ईजी है सम्स, तो इसमें भी सम ही करनी है, थ्योरी नहीं। इलस्ट्रेशन आपको मैंने दिए हैं 7, 10 नंबर इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है, ध्यान रखना। इसके बाद 13, 14, 15, 16 सभी करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में से 11, 16, 24, 33, 34, 35 ये इलस्ट्रेशन करोगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज में से है, सॉरी एक्सरसाइज में से है और ये इलस्ट्रेशन है, तो ये सम करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। और यूनिट थ्री में भी एक ही चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, उसमें भी आपको सम ही करने चाहिए, सम ही आते हैं, इसमें सम ऐसे आते हैं 7-7 मार्क के दो सम आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा होता है और में भी 7-7 या 7 मार्क की थ्योरी आ जाए, ऐसा चांसेस है इसमें क्वेश्चन 3 में। उसमें इलस्ट्रेशन आपको दिए हैं मैंने, सिर्फ इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं दिया, ये इलस्ट्रेशन करोगे तो भी कवर हो जाएगा। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 ये आपको इलस्ट्रेशन करने चाहिए और थ्योरी एक ही दी है, ये करनी चाहिए, कभी कभी आ जाती है। एक्सप्लेन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है, ये आ जाती है कभी कभी, तो ये करोगे सम्स और एक ही थ्योरी तो क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, ठीक है, 2 चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग ही 14 मार्क का आने का पूरा चांसेस है और क्वेश्चन 4 में थ्योरी भी आ सकता है क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो थ्योरी होते हैं, थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखो पहले चैप्टर 3 मीन्स ये समझे हम, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके बारे में समझे, उसमें सम्स हैं, एक्सरसाइज में से दिए हैं, इलस्ट्रेशन एक भी नहीं दिया, तो एक्सरसाइज में से आपको ये सम करने हैं 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 24, 30, 33, 35 और ये भी चैप्टर में भी जो सम्स हैं फार्मूला से रिलेटेड ही हैं, ईजी हैं। ठीक है, और थ्योरी भी दी है, थ्योरी करनी चाहिए, इस क्वेश्चन में आ सकती है। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सेकंड नंबर शॉर्ट नोट लिखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड की फैक्टर। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में से आपको सम्स एंड थ्योरी करनी चाहिए। लास्ट चैप्टर उसमें से मैंने सिर्फ आपको 4 शॉर्ट नोट दिए हैं, ये 4 शॉर्ट नोट आपको पढ़ने चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट, ये चारों आपको पढ़ने चाहिए, हो सकता है थ्योरी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट सम्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।